हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रहलाद, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और दोस्तों, आज का एमआई न्यूज में स्वागत है आप सभी का। अगर आपको एमआई न्यूज पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को जरूर से दबा देना। सो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों, आज की एमआई न्यूज को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहली एमआई न्यूज आ रही है दोस्तों, जो शाओमी का MIUI 10 बीटा आया है 8.8.9 को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ मेजर इशू है या बग्स है। सो इसलिए बेसिकली दोस्तों, ये जो 8.8.9 MIUI 10 का बीटा का अपडेट आया था, ये जो अपडेट है दोस्तों, इस अपडेट के अंदर जो प्रॉब्लम दिखाई दिया है, ये डुअल एप्स के अंदर दिखाई दिया है। सो डुअल एप्स के अंदर दिखाई दिया है, कुछ यूज़र ने दावा किया है, एक्चुअली रिपोर्ट किया है, उसके डिवाइस के ऊपर ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। उसी जैसा जो क्रैशिंग है, ऐप क्रैशिंग भी बढ़ गया है 8.8.9 के तहत। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर MIUI 10 बीटा 8.8.9 अपडेट आ चुका है तो अपडेट मत करना। उसके साथ अगर आप ऑलरेडी अपडेट कर चुके हो तो दोस्तों, आपको कुछ देर वेट करना होगा, क्योंकि MIUI 10 के ऊपर एंटी रोलबैक फीचर एनेबल है। सो वापस जाने की कोशिश मत करना। आप जो भी डिवाइस को रनिंग कर रहे हो, जिसके ऊपर भी हो, उसमें ही रहो। जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, नेक्स्ट अपडेट के थ्रू ये जितने भी प्रॉब्लम है दोस्तों 8.8.9 के ऊपर, ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। उसके साथ साथ आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी आ सकता है, ऐसा दावा किया है शाओमी वाले। और ऑडियो डिवाइस के ऊपर, म्यूजिक प्लेयर के ऊपर कुछ परेशानी दिखाई गया है इस अपडेट के थ्रू। दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, शाओमी ने लॉन्च कर दिया है अपना खुद का इलेक्ट्रिक बाइक, जिसका नाम है हीमो V1। इसका प्राइस 18,000 रुपीज़ के आसपास हो सकता है, जब इंडिया के ऊपर आएगा। या अभी के लिए चाइना के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक है। शायद ये बाइक कभी भी इंडिया के ऊपर नहीं आए, क्योंकि शाओमी के साथ कुछ पंगा है इंडिया के ऊपर। बाकी देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, अपना प्यारा Redmi Note 4 के अंदर Android Pie का अपडेट आ गया है। एक्चुअली पोर्ट कर दिया गया है Android Pie Xiaomi Redmi Note 4 के अंदर। बाकी दोस्तों, आप जैसे कि देख ही पा रहे हो, स्क्रीन शॉट के अंदर सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी परेशान की बात नहीं है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली प्रोजेक्ट ट्रिवल का सपोर्ट है, इसलिए इसके अंदर जल्दी से Android Pie का अपडेट आ गया है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, सो इसलिए इंडिपेंडेंस डे के लिए सेल करने वाला है Xiaomi वाले। सो Mi Mix 2 और Mi Max 2 के अंदर डिस्काउंट मिल सकते हैं आप लोगों को। तो जो Mi Mix 2 है, जो लॉन्च हुआ था दोस्तों 3599 के अंदर, पर अभी के लिए दोस्तों आपको 2499 के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ Mi Max 2 की, वो 1599 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसके अंदर आपको 1000 रुपीज़ की प्राइस कट मिल रही है। सो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है Xiaomi Note 5 Pro के लिए। सो Redmi Note 5 Pro है दोस्तों, इंडिया के ऊपर ओपन सेल के ऊपर मिल जाएगा। सो अगर आप Xiaomi Redmi Note 5 Pro खरीदना चाहते हो, आप ओपन सेल के अंदर मिलेगा फ्लिपकार्ट MI स्टोर से। 4GB रैम 6GB रैम अवेलेबल है। सो क्योंकि MI का A2 लॉन्च हो गया है, तो इसलिए जो Redmi Note 5 Pro है, ओपन सेल के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है। एनीवे दोस्तों, आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं था। अगर आपको इस तरह की न्यूज़ पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को जरूर से दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।